उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से ज्यादा समय से बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं पर पहाड़ दबक रहे हैं। कहीं लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़ रहे हैं तो चारधाम यात्रा को भी बीच बीच में रोकना पड़ रहा है। वहीं अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने शनिवार को जनपद के सभी शासकीय, गैर शासकीय, निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। बता दें कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदमकोट के पास लगातार पत्थर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। लगातार पत्थर गिरने के कारण मार्ग खोलने का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसे खोलने का प्रयास किया जाएगा। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। यात्रा में हमारी नेक्स्ट फेज अब शुरू होने वाली, मतलब शुरू हो चुकी है, और बारिश की वजह से थोड़ा सा हल्का चल रहा है अभी, लेकिन अब इसके बाद उनके बढ़ने की संभावना है यात्रियों की, तो हमने उसका पूरा प्लान बना लिया है। और जहाँ जहाँ पे हमें अगर ज़रूरत पड़ी पार्किंग कराने की, रोकने की, उन यात्रा को जगह जगह पर गेट सिस्टम लगाने की, जिससे कि यात्रा सुचारू रूप से चल पाए, तो हमने उसकी ड्यूटीज़ लगा दी हैं। ट्रैफिक के लोग भी लगे हुए हैं और हमारे बाकी जनपदों से भी ड्यूटीज़ आई हैं जो कि लग गई हैं, तो ये पूरी व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। चमोली में बारिश के बाद पिंडर नदी उफान पर है, जिसके कारण स्थानीय लोग डरे हुए हैं। बारिश होने से सड़क जगह जगह बंद हो चुकी है, विद्युत सप्लाई भी कट चुकी है। ऋषिकेश बद्री राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और कमेड़ा में लगातार पहाड़ी से भूस्खलन होने के बाद बंद हो रहा है। यहां आंगनबाड़ी केंद्र और जूनियर हाई स्कूल निलाड़ी में भूस्खलन से जगह जगह परिसरों की दीवारें भी टूटकर बिखर गई हैं, जिससे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों में दरारें पड़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश से विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों को भविष्य में बड़े नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है।